बात अगर की जाए कोरोना के तीसरी लहर की, तो कहीं ना कहीं कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। बात वाराणसी जनपद की कर रहे हैं हम, वहां पर लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में ओमिक्रॉन ने भी वाराणसी जनपद में अपनी दस्तक दे दी है। हम खड़े हैं पिंडरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां हमारे साथ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष सिंह जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इसको लेकर के जो चल रही है व्यवस्थाएं, उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है, किस तरीके से अवेयर किया जा रहा है लोगों को, क्या कुछ चीज़ें हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो ओमिक्रॉन है, इसको लेकर के किस तरीके से क्या क्या लक्षण है इसके। देखिए, ओमिक्रॉन का कोई अलग से कुछ उस तरह का कोई लक्षण नहीं है। जो पहले कोविड में जो लक्षण आ रहे थे, सर्दी, जुकाम, गले में खराश, बुखार आना, लगभग आज के डेट में वही साइन सिम्टम्स हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी चीज़ रिसर्च में अभी तक निकल के आई है कि ये पिछले जो डेल्टा वेरिएंट था उसके तुलना में ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है ये थोड़ा कम घातक है। और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत बहुत कम से कम पड़ेगी। जहाँ तक बात की जाए डॉक्टर साहब, तो अभी भी देखने को मिल रहा है कि कई सारे लोग अभी भी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, जबकि तीसरी लहर भी आ गई है, ओमिक्रॉन ने भी अपने वाराणसी में दस्तक दे दी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जागरूकता अभियान पूर्व में चलता दिखाई दिया था, जिसका असर भी दिखाई दिया था, उसमें कहीं कुछ कमी आते दिखाई दी है क्या? थोड़ा सा लोगों में थोड़ा सा जागरूकता जो थी, या बीच में कहेंगे कि थोड़ा सा इसके प्रति जो है लापरवाही, या निश्चिंत हो गए थे कि अब ये हम लोग वैक्सीन लगवा लिए हैं तो अब इसका प्रकोप नहीं होगा। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि विगत कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है पाया, तेज़ी से प्रसार हो रहा है। और मैं आज के डेट में बताना चाहूँगा कि आज हमारे पिंडरा अस्पताल पे भी एक पेशेंट का मैंने एंटीजन टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आ गए हैं। तो लगभग अभी जो प्रसार है इस वेरिएंट का, ये शहरों में, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जैसे जैसे टेस्ट की संख्या बढ़ते जाएगी वैसे वैसे पेशेंट्स भी निकलने लगेंगे। और जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, तो जो भी निगरानी समितियाँ जो थी हमारे क्षेत्र में बनी हुई, हर राजस्व ग्राम में एक निगरानी समिति बनी हुई थी, तो हमारे 104 निगरानी समिति है। हम लोग अपने स्तर से और प्रशासन वीडियो पिंडरा सर के स्तर से हम लोगों ने सब मिल करके उसको एक्टिवेट करा दिया है। और हम लोगों ने निगरानी समितियों के माध्यम से जो दवाइयाँ किट बनी थी वो भी हम लोगों ने हर राजस्व ग्राम में उपलब्ध करा रहे हैं और आगे भी इसको कराते रहेंगे। और इधर जो है हम लोग अपने अस्पताल पर भी रोजाना जो है इसका अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि कृपया सभी लोग जो है मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही अस्पताल में प्रवेश करें। डॉक्टर साहब, आपने प्रयास की भी बात की, आपने व्यवस्थाओं की बात की, लेकिन जो बात की जा रही है कि शहरी क्षेत्रों में, स्वाभाविक रूप से शहरी क्षेत्रों में इसका प्रकोप ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस की बात की जा रही है, तो शहरी क्षेत्रों में थोड़ी जागरूकता दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो जागरूकता का अभाव दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो सिर्फ शहरी लोगों को ही अफेक्ट करेगा। मेरा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी अपील है कि जो भी अनाउंसमेंट या जो भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसको पालन करें, क्योंकि अभी चूंकि ये ठंड का मौसम है तो लोग सोच रहे हैं कि ये सर्दी जुकाम ही होगा, लेकिन जैसे ही उसको जांच कराया जा रहा है तो उसमें पाया जा रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने स्तर से भी, शासन प्रशासन की तरफ से भी और हम लोग की तरफ से भी ये जागरूकता फैलाया जा रहा है, आशाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है, ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी कराया जा रहा है। लेकिन जागरूकता जो है, जागरूकता जब जनता या जो गांव में रहने वाले लोग जब खुद से जागरूक होंगे, खुद से जब इसको समझेंगे, तभी ये जा करके इसके प्रसार को, और जिस तरह से हम लोग सेकेंड वेव को रोक पाने में सफल हुए थे, तो उसी तरह से हम लोग थर्ड वेव को भी रोक पाने में सफल होंगे। तो आप थे हमारे साथ पिंडरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि स्वाभाविक रूप से जनता का भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा, या ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें या शहरी क्षेत्रों की, हर जगह मंडराता दिखाई दे रहा है। वाराणसी से नवभारत टाइम्स के लिए अमल श्रीवास्तव।